तो आज अपन को क्या करना, अंदर वाले बनाने। तो अंदर वाले एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे एकदम कम है, लेकिन है ठीक है। यहाँ पे बालों के राइट साइड है, यहाँ बाल अंदर है, तो अपन ने ये बना चुके हैं, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे वाला है, ये बनाना है अपन को, क्योंकि ये फिर थोड़े बाल जो दिख रहे हैं उसमें से आएगा, और ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मेन है अपना ये, तो ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो इसको एकदम मेजरमेंट के साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, पास रहेगा ये, 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस है ये, 2 से 3 मिलीमीटर का, तो इसके ही अंदर रखना। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गैप दे दिया है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। ये वाला जो वी शेप दिख रहा है थोड़ा, ये आईब्राउज के पास आएगा इस तरीके से, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये यहाँ गई स्ट्रेट लाइन ठीक है। यहाँ से ये पतली सी की लाइन, जो मैंने बोला था ना बहुत पतले है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे आया ये ऊपर की तरफ, और ये कर्व होके यहाँ जुड़ गया, ये जो बाल आ रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे, ये हल्के से कर्व होके यहाँ बाल वाले एरिया में जुड़ गया। अब नीचे वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला बनाना है अपन को, तो ये यहाँ से आ रहा है हल्का हल्का ऐसे, वही पेपर वाले शेप में थोड़े हाथ कपकपाते हुए, और ये यहाँ ये बन गया क्योंकि यहाँ से ये बाल आ रहे हैं। तो बाहर का पेपर सब कंप्लीट हो गया है, जो जितना पेपर वाला पार्ट था वो हो गया, अब बचता है ये ज़रा बालों वाला पार्ट। तो बाल ऐसे नहीं कि एक बार में कर्व से बना दिए, अपन को ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मार्क किया मैंने, ये कितना डिस्टेंस है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ मार्क किया, देखना आईब्रो के थोड़ा पास ही है ये, तो आराम से लाना, आईब्रो को मिक्स मत कर देना। और फिर ये यहाँ पे आ रहा है, ये जो बाल इधर उधर बिखरने हैं उन पे ध्यान नहीं दो अभी, वो तो बाद में बनेंगे, और ये है 1.1। तो मेन जो अपना कर्व है वो कैसे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाता हुआ ठीक है। तो बाल मैंने जैसे अपन ने लास्ट स्केच में कैसे बनाए थे, ऐसे हल्के हल्के ऊपर जाते हुए, आउटलाइन नहीं बना देंगे सीधा, अपन को दिखने चाहिए कि यहाँ से बाल आ रहे हैं ठीक है। तो इस तरीके से बाल आते हुए ये जो कर्व आ रहा है पूरा, यहाँ से ये कर्व आएगा, ये वाला कर्व, ये वाला मत कर देना, ये गलती कर दोगे बाद में बोलोगे कि बाल अजीब क्यों लग रहा है। ये जो आ रहा था ना वाइट स्ट्रिप, ये बनाई थी, ये यहीं पे आके ज्वाइंट होगा और ये आके यहाँ आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बाल जा रहे हैं लंबे से, जो मोटे मोटे हैं वो बनाएंगे अपन, ये जो पतले पतले एक आध दो भग रहे हैं यहाँ पे वो नहीं बनाएंगे। तो अभी पहले इतना बना लो ठीक है। अब चेहरे की आउटलाइन बना ली, तो लास्ट क्या है, जितने भी बनाए हैं तो उसमें क्या करते, जैसे इसमें भी क्या था, हाथ रखते उंगली चलाते गए यहाँ पे, वो यही ड्रॉ करते। तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करो ठीक है, यहाँ से लेते हुए अपन को यहाँ तक लाना है ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट किया 0.4.5 से, क्योंकि ये यहीं से हो रहा है, ये बाल वाले नहीं बनाने, बाल का अपन को क्या हिसाब अलग है। मैंने क्या बताया था, 3 पार्ट में है ये नॉर्मल हैचिंग वाला, ये रियलिस्टिक सिंपल शेडिंग, और ये हाइपर रियलिस्टिक आ जाता है। 3 टाइप के स्केच हैं इसमें, 3 फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये है कितना दूर, ये है 1.3 4.5 से, ओके एक मिनट रुकना, हाँ 1.3 4.5 से यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बार बार बोला है अकेला पॉइंट निकालना काफ़ी नहीं होता, उन पॉइंट को सही तरीके से जोड़ना भी होता है। तो ये भी देखते जाओ वो किस कर्व में आ रहा है, आई के पास जो है ये कर्व अंदर की तरफ आ गया ठीक है, यहाँ फोरहेड में बाहर की तरफ है, यहाँ चीक्स वाले पोर्शन में बाहर की तरफ है, और ये जो जॉ लाइन वाला पार्ट जाता है ना ये अंदर की तरफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ये है थोड़ी सी स्ट्रेट और एंड में पॉइंटेड नहीं, कर्व है। तो ये जो 3-4 चीज़ हैं ये ध्यान रखो, एक साथ साथ लेते जाओ कोऑर्डिनेट्स ठीक है। इसका लिया, इसके नीचे वाले का 1.1 आया ठीक है, या तो देख लो पहले, साथ साथ लेते जाओ, कोई परेशानी नहीं है, बस सही होना चाहिए। ये आया 0.8, मैं एक बार में पूरे कोऑर्डिनेट्स लूँगा, और जब ड्रॉ करूँ तो यहाँ ध्यान देना ठीक है। 7th लाइन पे ये यहाँ पे आया 0.4, देखो चेहरे में 0.2 0.3 0.1 सेंटीमीटर से भी डिफरेंस आ जाता है, 0.2 सेंटीमीटर से पतला भी लग सकता है इंसान, 0.2 सेंटीमीटर से मोटा भी लग सकता है उसका चेहरा, आँखें भी बिगड़ सकती हैं। तो ये मत समझना कि थोड़ी सी गलती हुई है चल जाता है, नहीं चलता है ठीक है, देखने वाला पूरी गलती निकाल देगा तुम्हारी।
अब देखना चिन यहाँ पे तो दिख रही है कि यहाँ से कर्व हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रही है चिन कहाँ कर्व हो रही है। तो यहाँ पे जो बाल के स्ट्रैंड आ रहे हैं ना, ये आ रहा 0.9 से लेके 1.8 तक। कौन सी लाइन से लिया मैंने, 6.10 से, 6.10 में 0.9 से लेके 1.8 तक। तो ये जो बाल ऐसे आ रहे हैं ना, ये कर्व देखना, ये आ रहा है कर्व और ये यहाँ बाहर की तरफ कर्व, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अभी छोड़ दो, ठीक है, रास्ते में जो आता जा रहा है वो बनाते जाओ, ठीक है। अपने रास्ते में बाल थे, बाल बना लिए, अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक हल्की सी ऐसे पेंसिल पीछे पकड़ो, जैसे ग्राफ खींचते हो ना, हल्की सी एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसका मतलब क्या है, चिन जो है अपनी वो इस पे आएगी। ओके, अब ये ऊपर की तरफ बढ़े, तो ऊपर की तरफ कितना हुआ, ये हुआ 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर यहाँ से निकल रहा है, देखो इस पॉइंट से निकल रहा है, 0.3 के बाद इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट से यहाँ पे आके जुड़ा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स निकाल लिए मैंने, तो चिन से स्टार्ट करो। एक चीज़ ये देखो, चिन कितने बाद कर्व हो रही है, ये स्ट्रेट जा रही है यहाँ तक, कहाँ तक जा रही है, 0.5 सेंटीमीटर तक। तो 0.5 सेंटीमीटर मार्क किया, अब यहाँ से नीचे कितना आ रहा है, ये आ रहा 0.4 सेंटीमीटर इस एंगल पे। तो 0.4 मतलब यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ तक स्ट्रेट है और यहाँ से धीरे धीरे कर्व हो रहा है। तो मैं भी वही करूँगा, ये जो स्ट्रेट यहाँ तक था और ये यहाँ से ये कर्व होना स्टार्ट होगा, देख सकते हो ये कर्व होना स्टार्ट हुआ। मैंने क्या बोला, उंगली रख लो, यहाँ कर्व होना स्टार्ट हुआ और ये कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे ऐसे कोई कर्व की टेंशन नहीं है, यहाँ स्ट्रेट ऐसे निकली लाइन, स्ट्रेट इन द सेंस ये नहीं कि हल्का सा कर्व रहेगा, स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि स्केल रख के जोड़ना स्टार्ट कर दो। देख सकते हो यहाँ बाल आ रहे हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पे इस तरीके के बाल आ रहे हैं कर्व करके। तो अपना जो चेहरा है उसकी आउटलाइन तो ये रहेगी, लेकिन वो बालों के साथ बनानी है। तो ये बाल जो दिख रहे हैं ना इस तरीके से कर्व, ये आराम से फ्री हैंड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक हल्का सा ऐसे चेहरे का गया और यहाँ जोड़ दिया, तो राइट साइड वाली जो आउटलाइन रहती चेहरे की वो हो गई आपकी। अब यहाँ से ऊपर से आओ, तो मैंने क्या बोला था, आईब्राउज अपनी देख सकते हो इस लाइन पे हैं, आई अपनी इस ब्लॉक में है। तो ये जो अंदर की तरफ कर्व है वो हल्का सा होगा। अब गलती क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, गलती तुम लोग भी करोगे, ये बहुत अंदर कर दोगे, एकदम सी शेप बना दोगे। कर्व आराम से बनाए जाते हैं, ठीक है, एकदम बहुत कर्व का मतलब ये नहीं था कि जब सी शेप बना दो, यू शेप बना दो, नहीं, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं रहती, ठीक है। धीरे से देखो, स्ट्रेट आ रहा है हल्का हल्का, धीरे से यहाँ आके ऐसे कर्व हुआ ये, ठीक है। ये भी धीरे से कर्व हुआ, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है। तो मैं एक देखना है कितना कर्व होता है, तो ये देख लो कि ये जो लाइन है इस लाइन से कितना दूर है, ये जो लाइन है इस लाइन से कितना दूर है। तो अगर मैं मेजरमेंट निकालूँ तो ये आ रहा 0.9 सेंटीमीटर, मेरा आ रहा 0.8, तो मुझे 1 मिलीमीटर और उसे बाहर करना चाहिए। तो मैं 0.9 उस पर मार्क लगा लेता हूँ। देखो 0.1 से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो अपन थोड़ी सी भी गलती क्यों करो, ठीक है। यहाँ तक आया, अब देख सकते हो चीक्स बाहर की तरफ हैं ऐसे थोड़े, ये कर्व आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये कर्व आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया ये पॉइंट, देख सकते हो ये हल्का हल्का कर्व के साथ ज्वाइन है, और ये थोड़ा बाहर की तरफ आया ऐसे, और ये ऊपर की तरफ कर्व हो गया। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, जो फ्लो है वो ऐसा नहीं कि यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है। तुमने एक ब्लॉक को ज्वाइन किया, तो दूसरे ब्लॉक को जब बना लो तो उनको एकदम फ्लो में ज्वाइन करो, ठीक है, और पेंसिल पीछे पकड़ो ताकि लाइटली ड्रॉ कर पाओ। अब बचता है बस ये वाला पार्ट, तो ये वाला हल्का सा कर्व है ये भी, ठीक है। तो ये हल्के से कर्व के साथ ये बन जाती है अपनी चेहरे की आउटलाइन। ये बालों वाली बाद में करते हैं, पहले इतना कर लो। तो बालों का क्या है, देखो ऐसे कोई मेजरमेंट के साथ नहीं, इतना बना चुके हो कि अब अंदाज़ा हो जाएगा कि बाल कहाँ है, तब भी एक हिसाब लगा लो बहुत आराम आराम से कि यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट आ रहा, यहाँ से फोरहेड कर्व होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से बाल ऐसे आए और यहाँ पे आए। तो ये अपनी बालों की एक आउटलाइन सी समझ लो, ये ड्रॉ नहीं करना तुम लोग को, मैंने एक्सप्लेन किया, ये तुम्हारे दिमाग में अपने आप बन जानी चाहिए, ठीक है। इसकी मांग देखो, ये जो जा रही है, ये मांग जा रही है इसकी यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का, इसमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तुम्हें भी नहीं बनाना, ये एक्सप्लेन करने बना रहा हूँ, तभी मैं इतना लाइट बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी मांग है। तो अब बालों का क्या हिसाब है, यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए आ रहा है, एक बाल पकड़ लो जो मेजर दिख रहा है, ऐसे ये पकड़ लिया मैंने, तो यहाँ उठता हुआ आया, यहाँ से गया, ये ऊपर से कर्व की तरह नीचे आया, ठीक है, ये यहाँ आके यहाँ ऐसे छूट गया,
ठीक है, फिर पीछे से एक और बाल पकड़ लो, ये वाला पकड़ लिया जैसे मैंने, तो यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए आए और ये ऐसे यहाँ जुड़ गया, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो ऊपर ऊपर जाने लग गए। अब यहाँ वाले जो बाल हैं तुम देखो एस शेप दिख रहा है उल्टा, तो तुम्हें भी वैसी शेप बनाना है। तो कहाँ से बनाना है, ये जो हल्के से पहले ये देखो, ये वाले उंगली यहाँ रखो, रखो सब लोग यहाँ उंगली, यहाँ से बाल कैसे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, ऐसे लेफ्ट गए और नीचे आ गए, लेफ्ट गए नीचे आ गए, लेफ्ट गए नीचे आ गए, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है, यहाँ आके ऐसे ज्वाइन हो गए, ये जा रहे हैं। देखो एक एक बनाने की ज़रूरत नहीं है और सारे एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके बीच का हिसाब ले लो कि चार पांच तो बना ही दो, कि जो थोड़े इधर उधर जा रहे हैं, तो तुम्हें एक बेसिक डायरेक्शन का हिसाब दे दे, जैसे ये है, तुम्हें जो अलग अलग डायरेक्शन दिख रहे हैं, जैसे ये सब एक ही डायरेक्शन दिख रहे हैं, तो मैं इनमें से एक दो ही बनाऊंगा, ऐसे नहीं कि सब बना दिए मैंने, ये मैंने एक दो डायरेक्शन वाले ये बना दिए। अब ये वाला है यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये एक डायरेक्शन वाला हो गया, ठीक है, अभी देखना, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी मत करो, अभी इस साइड वाले और बच्चे हैं, मेरा काम है एक बार चेहरे की जो आउटलाइन है ये आउटलाइन के अंदर ही आएगा तो वो कंप्लीट हो जाए, ये यहाँ तक थे, अब ये थोड़े नीचे आएंगे उससे, ऐसा नहीं कि एकदम नीचे आ जाओ कि तुमने एक लाइन यहाँ की थी, यहाँ से नीचे कितना नीचे है, बस थोड़ा सा नीचे है, मैं गलत बता रहा हूँ, गलती ये करोगे कि ये एकदम नीचे आ गया, मैं बोलूँगा बाद में कि तुम्हें ये रेस करना है, अभी सुन लो, गलती से बच जाओगे। ये आया ऐसे, इस पॉइंट को देखो, इस लाइन से टच नहीं कर रहा है, तो इससे नीचे आया और यहाँ आके इस पेपर पे एंड हो गया, ठीक है, ये बाल यहाँ से किस डायरेक्शन में आ रहे, ऐसे एस शेप में, इसको ओवरलैप कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ये आए इस डायरेक्शन में, ये आए इस डायरेक्शन, देखो तुम बस, तुम्हें डायरेक्शन देखनी है, उस डायरेक्शन में एक दो बाल बना दो, ठीक है। ये जा रहे पीछे की तरफ उठते हुए, इस लाइन के ऊपर गए, यहाँ से ये हेयर का एक और स्ट्रैंड टाइप आ रहा है, ठीक है, पतले नहीं लगने चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, गलती ये भी हो जाती है, एकदम पतले से बना दिए, ठीक है। फिर ये है, ये उठा, इस पॉइंट एट को ज्वाइन किया, ये यहाँ से आया ऐसे कर्व करते हुए, जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, तुम लोग को भी ले जाना है इस तरीके से, नीचे नीचे आ रहे हैं, कहाँ पर रुक रहा है ये, असल में ये प्रिंट आउट ख़त्म हो जाता है, तुम लोग भी एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आया और बस पेपर के बाहर रोक दिया, क्योंकि अभी अपन इसमें बॉर्डर बनाएंगे, ओके, 1-1 सेंटीमीटर की जो बॉर्डर देते हैं वो बनाएंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा, यहाँ से ऐसे बाल निकालते हुए बनाए, यहाँ से ऐसे बनाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे धीरे धीरे डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, बालों की डायरेक्शन बदल गई, तो ये अपना ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्या रहता है, ये जो आउटलाइन है ना बालों की, ऐसे आते हुए देखो, जैसे ये आया, ये कर्व से होते हुए 7 को क्रॉस किया, यहाँ से आते हुए 7 को क्रॉस किया, यहाँ से फिर दूसरा निकला इस तरीके से, फिर ये 7 के नीचे से एक और ऐसे कर्व सा आया, जैसे कर्व होते हुए ये बाहर की तरफ चला गया, बस आउटलाइन बालों की इतनी ही है, थोड़े बाहर जाएंगे, थोड़े अंदर रहेंगे। अब आता है नेक, तो नेक पकड़ लो, ठीक है, यहाँ से आएगा, कितना है, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर, यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऐसे कर्व में आया बाहर की तरफ थोड़ा, या अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकला है कर्व, या अंदर की तरफ है कर्व, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कर्व मत कर देना और एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बना देना, तुम लोग दोनों ही चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आता है शोल्डर, तो लेफ्ट वाला शोल्डर देखो यहाँ से निकल रहा है, कितना नीचे है इस लाइन के, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने मार्क किया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से निकल रहा है ऐसे, कितना, 1 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए यहाँ, तो ये मेजरमेंट से ऐसे आ गया मेरे यहाँ पे, तो मैंने कैसे बनाया, ऐसे कर्व करते हुए आया, यहाँ से शोल्डर ऐसे कर्व करते हुए आया, ये कॉलर बोन वाला एरिया हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से इसने टर्न मारा, शार्प टर्न नहीं चाहिए मुझे कि यहाँ तक आया, नीचे से एकदम शार्प टर्न आ गया, एकदम धीरे धीरे कर्व आएगा, ये देख सकते हो कर्व मेरा। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये तो बालों से घिरा हुआ है,
ठीक है, इस तरीके से बालों से बचता ये वाला शोल्डर। तो ये वाला शोल्डर देख सकते हो लाइन नंबर 10, ठीक है, लाइन नंबर 10 से उठता हुआ इस पॉइंट से निकलता हुआ नीचे। देखो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी बनाना है, बना सकते हो बना लो, नहीं बन पा रहा कोई परेशानी नहीं, स्केल है उससे बनाओ। यहाँ से आया, अब एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा कर्व नहीं रहेगा ये, थोड़ा स्ट्रेट आया, यहाँ से कर्व आया, ठीक है, किसी का कर्व एक यू शेप नहीं बना देना एकदम, ये इस पॉइंट से अब यहाँ से बस ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेट ही आ रहा है, ऐसे कर्व करता हुआ नीचे की तरफ, और ये अपना आउटर पोर्शन हो जाता है, ठीक है। ये बचता है थोड़ा सा, ये जो दो थोड़े स्लाइट कर्व बच रहे हैं ना, ये कॉलर बोन वाले, ये थोड़ा उठा ये ऐसे, और ये पीछे की तरफ, आपने स्केच में नहीं दिख रहा क्लियर तो मेरे में देख लो, ठीक है, और इतना बना लो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।